हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आलिम मैथ्स ब्लॉग। सो माय डियर स्टूडेंट, टुडे आवर क्वेश्चन इज 24 होल टू द पावर m इज इक्वल टू 36, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 3m माइनस 2 डिवाइडेड बाय m माइनस 2। सो माय डियर स्टूडेंट, इस इक्वेशन से 2 टू द पावर 3m माइनस 2 डिवाइडेड बाय m माइनस 2 का वैल्यू कैसे निकलना चाहिए, आज तुमको बहुत इजी प्रोसेस बताऊंगा। तो माय डियर स्टूडेंट, पहले तुमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखो 24 होल टू द पावर m इज इक्वल टू 36, इस इक्वेशन को तुमको कैसे लिखना है। तुमको 24 होल टू दी पावर m इज इक्वल टू 36, ठीक है स्टूडेंट। इस इक्वेशन से इसका 2 टू द पावर 3m माइनस 2 m माइनस 2 का वैल्यू निकालने के लिए तुमको क्या करना चाहिए, 24 और 36 को तुमको ब्रेक करना है। सो माय डियर स्टूडेंट, 24 को तुमको क्या करना चाहिए, एलसीएम करने के बाद यहाँ पर देखो 2 कितना टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या लिखना है, तुमको लिखना है 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 कितने टाइम्स है, यहाँ पर 1 टाइम्स, मतलब यहाँ पर 3 लिखना है। तो पावर कितना है, होल टू दी पावर m लिखना है, ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू 36 को सेम तुमको एलसीएम करना चाहिए। 36 को एलसीएम करने से क्या होगा, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9। तो 2 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स, मतलब यहाँ पर लिखना है 2 स्क्वायर और यहाँ पर 3 2 टाइम्स है, इसलिए तुमको लिखना है 3 स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद तुमको क्या करना है, पावर को मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर देखो a टू द पावर m होल टू द पावर n का फॉर्मूला क्या है, a टू द पावर m इंटू n, ठीक है स्टूडेंट। तो इस फॉर्मूला तुमको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर देखो 3 का पावर कुछ भी यहाँ पर पावर नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो m के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टू द पावर 3m इंटू 3 का पावर 1 है, 1 के साथ m मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3 टू द पावर 1 इंटू m, मतलब m हो जाएगा। और राइट साइड में क्या होगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद तुमको क्या लिखना है, तुमको 2 को लेफ्ट साइड में अरेंज करना चाहिए और 3 को राइट साइड में अरेंज तुमको ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो हो जाएगा 2 टू द पावर 3m तो इनटू फॉर्म है, तो लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड आने से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और राइट साइड में हो जाएगा 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर m, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखो पावर डिविजन फॉर्म है, ठीक है। बेस ए फॉर्मूला तुमको अप्लाई करना चाहिए, ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए टू दी पावर एम माइनस एन। तो बेस सेम है तो उस टाइम क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगा, डिविजन के टाइम क्या होगा, पावर माइनस होगा। यहाँ पर सेम तुमको इस फॉर्मूला अप्लाई करने से हो जाएगा 2 टू दी पावर 3m माइनस 2 इज इक्वल टू सेम इस फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करो तो हो जाएगा 3 टू दी पावर 2 माइनस एम, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर देखना तुमको किसका वैल्यू निकालना है, 2 टू दी पावर 3m माइनस 2 डिवाइडेड बाई m माइनस 2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसलिए तुमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखो 2 का पावर क्या है, 3m माइनस 2, यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर के प्लेस में क्या है m माइनस 2, तो यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब 1 है। तो इसलिए तुमको क्या करना चाहिए, 2 टू दी पावर 3m माइनस 2, तो इसको क्या करना चाहिए, होल टू दी पावर 1 बाई एम माइनस 2 से तुमको पावर लेना है, ठीक है। तो बोथ साइड में 1 बाई एम माइनस 2 पावर लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 टू दी पावर 2m माइनस n, 3 टू दी पावर 2m 2 माइनस m होल टू दी पावर 1 बाई एम माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्या करना चाहिए, सेम फॉर्मूला पावर के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। देखो ए का पावर क्या है, एम होल टू दी पावर एन, तो दो पावर को क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो सेम तुमको इस फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 3m माइनस 2 डिवाइडेड बाई एम माइनस 2, ठीक है। और राइट साइड में हो जाएगा 3 टू दी पावर 2 माइनस एम डिवाइडेड बाई एम माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 माइनस एम
और m माइनस टू सिर्फ तुमको क्या चाहिए, देखो यहाँ पर माइनस कॉमन लेने से तुमको यहाँ पर देखो m माइनस टू न्यूमरेटर में भी m माइनस टू हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लेना है, तो थ्री टू द पावर माइनस वन कॉमन लेने से हो जाएगा m माइनस टू डिवाइडेड बाय m माइनस टू, तो m माइनस टू क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या थ्री टू द पावर माइनस वन। तो इस फॉर्मूला तुमको अप्लाई करना है, ए टू द पावर माइनस एन का फॉर्मूला क्या है माय डियर स्टूडेंट, वन बाई ए टू द पावर एन, तो यहां पर हो जाएगा वन बाई थ्री। सो माय डियर स्टूडेंट इस टू टू द पावर थ्री एम माइनस टू डिवाइडेड बाई एम माइनस टू का वैल्यू होगा वन बाई थ्री। सो माय डियर स्टूडेंट आवर आंसर इज कम्प्लीट। सो माय डियर स्टूडेंट इफ यू लाइक दिस प्रोसेस एंड इफ यू लाइक दिस ट्रिक, सो प्लीज सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।